एशिया की सबसे बड़ी प्याज मंडी नासिक लासलगांव में प्याज के दामों में भारी गिरावट। प्याज के दामों में भारी गिरावट से किसान परेशान। किसानों को नहीं मिल पा रहा प्याज का उचित दाम। नासिक प्याज मंडी में आज रहे 1,300 रुपए प्रति क्विंटल प्याज के दाम। दो दिन पहले नासिक प्याज मंडी में 1,800 रुपए प्रति क्विंटल थे प्याज के दाम। प्याज व्यापारियों का कहना है कि नासिक प्याज मंडी में प्याज बहुत आ रही है, लेकिन नासिक से बाहर प्याज का निर्यात नहीं हो रहा। प्याज का उत्पादन अधिक और निर्यात कम होने से प्याज के दामों में भारी गिरावट आ रही है। प्याज व्यापारियों का कहना है कि आने वाले दिनों में और गिर सकते हैं प्याज के दाम। भारतीय न्यूज के लिए नासिक से संदीप द्विवेदी की रिपोर्ट। आज हम खड़े हैं प्याज की सबसे बड़ी मंडी नासिक में, और प्याज के दामों में भारी गिरावट दर्ज की गई है। इसका कारण बताया जा रहा है प्याज के निर्यात में बंदी, क्योंकि नासिक में माल तो बहुत आ रहा है लेकिन उसका निर्यात नहीं हो रहा, जिसके कारण लगभग 30% के करीब माल का रेट गिर गया है, मतलब प्याज का रेट गिर गया है। आइए इस बारे में हमारे साथ प्याज व्यापारी नितिन सेठ हैं, उनसे बात करते हैं। सर, प्याज की क्या रेट है आज? निर्यात बंद होने से प्याज के रेट है 12,000 रुपये से लगा के 12-13, ऊंचे में 1,500 रुपये बिका है हाईएस्ट में। प्याज के रेट गिरने के क्या कारण? निर्यात बंद है, सबसे पहला कारण तो यही है, लगातार आमदनी ज़्यादा है, निर्यात बंद है। प्याज का कितनी आवक है अभी? प्याज की आवक बहुत है, अभी शुरुआत हुई है नए प्याज की, गाउठी में नया प्याज चालू हुआ है अभी तो और आवक बढ़ेगी, अगर निर्यात चालू नहीं किया तो और डाउन हो जाएंगे। तो इसका व्यापारियों में भी नाराजगी है, किधर डिमांड नहीं आगे देश और में बाजार नहीं, किसान बीमार हो गए। हाँ, किसान तो सब बीमार हो गए। हाँ। साले 1,400 रुपये एक घंटे को 1,400 रुपये खर्चा है, एक घंटे में निकल रहा है, एक घंटे में खाली साली 10 बोरी नहीं निकलता, 5 गुनी निकलता है एक घंटे में, एक जितना खर्चा आता है 1,400 रुपये में क्या मिलता है। ये अगर निर्यात चालू रहता है तो बाजार होते 2,500-3,000 के बाजार होते, निर्यात चालू होना चाहिए। इसको कांदे को ये बाजार मांगता है 2,500 रुपये एक एकड़ में, खाली 100 बोरी निकलता है अभी, तो शेतकरी क्या करेगा? इसका कारण वातावरण, इधर बाजार नहीं, खर्चा है ये 50,000 रुपये, मिलता है 40,000 रुपये। आपका क्या कहना इस बात? जो प्याज एक 8 दिन पहले 2,000-2,500 रुपये बिक रही थी, वही प्याज अभी 1,000-1,300 रुपये बिक रही है। मंडी में माल ज़्यादा है, लेने वाले कम है, और जो लोडिंग करते हैं बाहर, मतलब महाराष्ट्र से बाहर जो लोडिंग करते हैं, उनके माल पास नहीं हो रहे, इसकी वजह से बाजार डाउन है। जैसा कि आपने सुना, किसानों और व्यापारियों की समस्याएं, माल का निर्यात नहीं होने के कारण इसका असर किसानों और व्यापारियों में खास तौर पर देखा जा रहा है, और आज नासिक मंडी में कम से कम 30% के आसपास रेट गिर गए हैं प्याज के। नासिक से संदीप द्विवेदी। Subscribe now to most exciting channel ever.